इटावा शहर स्थित शांति कॉलोनी में रहने वाले बाशिंदे जलभराव से परेशान हैं। कांग्रेस नेता प्रेम किशोर द्विवेदी ने तेजस खबर को बताया कि उनका मकान मेन इटावा सैफई हाईवे पर स्थित है। उनके मकान के बाहर जलभराव की काफी समस्या सालों से है, जिसमें नगर पालिका में कई बार शिकायत करने पर भी गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद से डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। यहाँ से जल निकासी कोई भी नाली या नाला नगर पालिका द्वारा नहीं बनवाया गया। आए दिन यहाँ रहने वाले बाशिंदों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसको प्रशासन और नगर पालिका गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि नगर पालिका से नाली निर्माण का बजट पास है, फिर भी कोताही बढ़ती जा रही है। दुबे जी, क्या समस्या है? नाली देखने में आ रही है, यहाँ पे डेंगू का प्रकोप चल रहा है। आपका वार्ड संख्या कितनी है? ये शांति कॉलोनी वार्ड पड़ता है, ये मकान नंबर हमारा पड़ता है इसका 655 शांति कॉलोनी। ये शांति कॉलोनी वार्ड में आता है और ये मैनपुरी फाटक रोड है, ये मैनपुरी रोड है, उस पर ये स्थित है। और यहाँ मेन रोड है, उसके बावजूद भी आप समझिए कि यहाँ पे इतना पानी भराव है, जिसकी वजह से इस समय अनाप शनाप मच्छर है। ना तो यहाँ पे निकलना हो सकता है, ना बैठना हो सकता है। आपने अभी देखा होगा कि आप जब मेन गेट से अंदर आए हैं तो यहाँ इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें आप के कपड़े तक गीले हो गए। और लगभग ये समस्या दसियों साल से चल रही है यहाँ पे। कभी उच्च अधिकारियों से आपने इसके बात में शिकायत करी? मैंने इस बात की कई उच्च अधिकारियों से शिकायत की, कई बार नगरपालिका में एक पूर्व युक्त साहब थे जो इस समय नहीं है, अनिल कुमार जी, उनसे भी मैंने फ़ोन पर वार्तालाप हुई, उनको बताया। और इससे पहले एक बार एक राधा तिवारी जी यहाँ थी, उनको भी एक बार बताया मैंने, तो वो खुद यहाँ देखने आई, मौका मुआयना उन्होंने किया। और लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इसकी पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो निकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है? ये पानी कहाँ पे निकल रहा है? एक्चुअली पहले क्या था, ये कि भराव तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये निकास कहाँ पे इसका? दरअसल जैसा इन लोगों का कहना ये है कि पानी का आगे कहीं कोई नाला का जुड़ाव नहीं है। पहले ये पानी जब ये सूत मिल हुआ करता था पीछे, तो यहाँ पे इसका पूरा जो पानी था इस पूरे क्षेत्र का, तो उसमें अंदर जाता था। अब सूत मिल जब से बिक गया, वो आवास विकास में चली गई वो जगह, और उसके बाद से जब वो आवास विकास में चली गई तो उन्होंने उस पानी को वहाँ रोक दिया। अब वो पानी आगे कहीं कोई ना किसी बड़े नाले में या किसी नदी में कहीं ऐसा जुड़ा नहीं है, तो वो आगे कहीं पुल के पास जाके वो ब्लॉक हो जाता है, और जिससे उसकी कोई आगे निकलने की व्यवस्था नहीं। नहीं, हमारी टीम द्वारा देखा भी गया है कि निकास का तो कोई बिल्कुल जगह ही नहीं है, कि सूत मिल में वहीं पे पूरा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल डेंगू के सबसे ज़्यादा प्रकोप इस समय हमारे इस पूरे शांति कॉलोनी में इस समय जबरदस्त डेंगू फैला हुआ है। यहाँ घर घर में इस समय बुखार, मलेरिया, डेंगू का प्रकोप है भयंकर, और इस समय प्रशासन कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपको बताऊँ, आज अभी जस्ट आधे घंटे पहले एक नगरपालिका से एक गाड़ी आई थी, जो शायद एक बड़ा टैंकर टाइप का था, जिसमें वो पानी खींचने का काम करता है टैंकर उनका। तो जब मैंने उनसे पूछा, हमने कहा ये यू साहब ने भेजा है आपका, किसने भेजा, नगरपालिका ने? तो वो बोले कि नहीं साहब, नगरपालिका ने जो, तो आज एक कमिश्नर साहब आए हुए हैं तो उनकी वजह से आया है, वरना कहाँ कोई आता। ये जो वो टैंकर लेके आया था उसके शब्द थे, और उसने ऐसा बोला, और मुश्किल से एक 10 मिनट चलाने के बाद वो यहाँ से चला गया। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जनपद में कि अधिकारी लखनऊ से आ रहे हैं, तो इसी मारे खौफ कागजी कार्रवाई हो रही है, जमीन स्तर पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।